सो हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट पीडीएफ फाइल यूजिंग जेसीएल यूटिलिटी IFBR14। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया है कि हाउ टू क्रिएट पीएस फाइल यूजिंग जेसीएल यूटिलिटी IFBR14। तो यहाँ हम पीडीएफ फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जाना होगा यूटिलिटीज में। सो फॉर दैट यू हैव टू टाइप 3 इन ऑप्शन एंड प्रेस एंटर। आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर इन डीएस लिस्ट। सो फॉर दैट जस्ट प्रेस 4 एंड हिट एंटर। एंड जस्ट आई टोल्ड यू ना इन प्रीवियस वीडियो, इफ यू हैव टू राइट जेसीएल कोड, यू नीड टू फर्स्ट मैन्युअली क्रिएट अ पीएस फाइल। सो आई हैव क्रिएटेड द पीएस फाइल मैन्युअली, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट द पीएस फाइल मैन्युअली, यू शुड वॉच माई प्रीवियस वीडियो। इन दैट आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट पीएस फाइल मैन्युअली इन जेसीएल। सो आई हैव क्रिएटेड ऑलरेडी, सो आई एम यूजिंग दैट ओनली। सो आई विल ओपन जेसीएल इन एडिट मोड, एंड इन दिस फाइल आई एम यूजिंग। सो दिस इज माई कोड वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू क्रिएट अ पीडीएस फाइल यूजिंग द IFBR14 जेसीएल यूटिलिटी। सो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि दिस इज द जॉब, दिस लाइन इज जॉब कार्ड लाइन, एंड वी कैन से इट लाइक अ जॉब कार्ड, एंड दिस इज द जॉब नेम विच इज इन फ्रंट ऑफ द वर्ड जॉब, और ये है हमारा नोटिफाई जो कि हमें नोटिफाई करता है वेदर एनी जेसीएल एरर और एनी अबेंड इज इन यू आर प्रोग्राम और नॉट। आफ्टर दैट दिस इज द एग्जैक्ट पीजीएम इज इक्वल टू IFBR14। ये एक यूटिलिटी है, इट इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग अ पीएस और पीडीएस फाइल दैट आई टोल्ड यू बिफोर। सो एंड द नेक्स्ट स्टेप इज डीएसएन, सो इट इज द नेम ऑफ द पीडीएस फाइल दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट। सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएट द टेस्ट 1 पीडीएस फाइल टू जस्ट चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू, और आई एम गोइंग टू क्रिएट द टेस्ट 2.pds फाइल। रिमेंबर द नेम ऑफ द पीडीएस फाइल वी आर गोइंग, वी गिव द फाइल पीडीएस टेस्ट 2.pds। आफ्टर दैट डिस्पोजिशन न्यू कैटलॉग डिलीट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है। न्यू इट इज नथिंग बट द स्टेटस पैरामीटर, कैटलॉग इज नथिंग बट द नॉर्मल डिस्पोजिशन, एंड डिलीट इज नथिंग बट द एब नॉर्मल डिस्पोजिशन। तो नॉर्मल डिस्पोजिशन तभी वर्क करता है जब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली नॉर्मल फ्लो में हो या सक्सेसफुली रन करे, मैक्सिस जीरो आए तो नॉर्मल डिस्पोजिशन, और जब एब नॉर्मल डिस्पोजिशन हो, हमारा प्रोग्राम एब नॉर्मल डिस्पोजिशन कब होता है, जब हमारे प्रोग्राम में कोई जेसीएल एरर और अबेंड हो तब एब नॉर्मली। तो हमने दिया नॉर्मल डिस्पोजिशन पे कैटलॉग होना चाहिए जो कि एक लॉग फाइल क्रिएट करता है, और अगर हमारा कोई एरर आए तो हमारा जो भी आउटपुट होगा वो डिलीट होना चाहिए। सो दिस पैरामीटर वी हैव गिवन। सो इन दैट आफ्टर दैट स्पेस, स्पेस जो कि हमें पता है, एक पीएस और पीडीएस फाइल को हम दो ही चीजों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक ये है कि पीडीएस में हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी के साथ में, जो कि होता है डायरेक्टरी ब्लॉक। सो यहाँ हमने दिए है 5, जो कि हमने पिछली पीएस फाइल क्रिएट करते हुए ये पैरामीटर्स नहीं दिया था, जो कि पीडीएस में होता है डायरेक्टरी ब्लॉक। डायरेक्टरी ब्लॉक मस्ट बी प्रेजेंट इफ यू वांट टू क्रिएट पीडीएस फाइल, ओके। और एक दूसरी चीज जो कि होता है डी सॉर्ग। सो ये जो पैरामीटर है इसको हम पीओ लिखते हैं इफ यू हैव टू क्रिएट द पीडीएस फाइल, और फॉर पीएस फाइल यू मस्ट बी रिमेंबर दैट, यू मस्ट बी अवेयर दैट फॉर पीएस फाइल वी जस्ट राइट पीएस, बट फॉर पीडीएस वी राइट पीओ, ओके। सो आई थिंक यू गेट ऑल द थिंग्स दैट आई टेल यू हियर। सो जस्ट नाउ वी हैव टू सेव एंड सबमिट द कोड, एंड विल सी वॉट हैपन। आई सेव दिस कोड एंड नाउ आई सबमिट इट, ओके, आई सबमिटेड इट, एंड हियर वी गॉट अ नोटिफिकेशन दैट मैक्सिस इज जीरो, इट मीन्स वॉट एवर द कोड यू हैव रिटन इज सक्सेसफुली वर्क्ड, ओके। सो नाउ वील चेक वेदर दिस टेस्ट 2.pds फाइल इज क्रिएटेड और नॉट। फॉर दैट वी हैव टू जस्ट प्रेस F3 F3 F3, एंड हियर जस्ट टाइप REF फॉर रिफ्रेश द लिस्ट।
and just check whether the test2.pds file is created or not. For that you have to, here we are not able to see any test2, so go down. For that you have to press F8 function, F8. Okay, so you can see here test2.pds. Test2.pds is created and there is no member in it. If you opened it in edit mode, it will throw an error because there is no member we have created in it. So you can see no member in a data set. So you know how to create a member in it. Just give new here, new, and hit enter. So one member, new member will be created inside the PDS file. So I think you got to learn so many things in this video, and if you have any query you can comment it down. I'll give the solution of your queries as soon as possible, and thanks for watching.